दुनिया के हर कोने में देखोगे तो हर जगह पर महिलाओं ने समानता और बराबरी के लिए किए गए संघर्ष बिखरे पड़े हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने अपने परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, ऐसे क्षेत्रों में जो पुरुषों के क्षेत्र कहे जाते हैं, वहाँ पर भी अपना एक स्थान बनाया है। ऐसी ही एक महिला है शोभा श्रीवास्तव। तबला वादन के क्षेत्र में महिलाएं आज भी ना के बराबर है। शोभा जी तबला में प्रवीण हैं तथा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। पहले तो सीखने भी नहीं दिया जाता, तो लड़कियों का पढ़ना भी बड़ा मुश्किल था, बीए में नाम लिखाना भी मुश्किल था। तो उसके लिए बड़ा हम लोगों ने सत्याग्रह किया, बड़ी रोहित हुई, तब जा करके संगीत समिति में नाम लिखाया गया और उसी लगन में लगे लगे हमने सब्जेक्ट ले लिया कॉलेज में। ऑल इंडिया ये कॉन्फ्रेंस होती थी यहाँ पे, तो उसमें हम फर्स्ट ईयर में बैठे, फिर बीए में बैठे, सब में मैंने टॉप किया, सब में हमको मेडल। तो ससुराल में ही रहना रहता था, तो लेकिन हमारे हस्बैंड को शौक हुआ था कि आगे का, उसमें हमारी उन्नति में खुश हुआ। लेकिन इतने झंझटों में से हम क्या कर पाते, चाह के भी हमारे गुरुजन जो हमारी परीक्षा लेने आए थे वो हमसे कहें कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं? या तो घर एक तरफ पैर जकड़े थे, दूसरी तरफ बाहर, दोनों तरफ मैं कैसे आ पाते। अगर मान लीजिए ये सारी मजबूरियाँ आपके इर्द गिर्द नहीं रहती तो आप क्या करते? मैं बहुत शायद मैं तमाम सभाओं में बाहर जाती। मन में ये इच्छा थी, ये इच्छा, लेकिन नहीं हो पाया। ये तोड़ के निकलने की बाधा, तोड़ के निकलने की शक्ति मेरे अंदर में कि सब कुछ तोड़ करके त्याग कर दी थी, ऐसे से तुम लोग निकल आए। अपने अंदर कलाओं, प्रतिभाओं और क्षमताओं का वास होते हुए भी ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जो अपने घर की और बाहर की परिस्थितियों के कारण अपना मुकम्मल मुकाम नहीं पा सकती हैं। आप सभी से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आखिर कब तक हम पितृसत्ता के बोझ को अपने कंधों पर ढोएंगे और आखिर कब हम महिलाएं भी अपने अस्तित्व और सम्मान के साथ अपना मुकम्मल मुकाम पाएंगी? मैं वर्षा, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।